हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग लेने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हम लोग का और नीट का एग्ज़ाम हम लोग का बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज समझिए आज से हम लोग का स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी PYQ हैं, जितने भी PYQ हैं, सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझने का, और बस हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। अगर आप लोग वन शॉट सीरीज देख रहे हैं तो आप प्लीज़ वन शॉट को कंप्लीट करके यहाँ पे आइएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। वन शॉट हम लोग जो इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ NCERT बेस वन शॉट है हमारा, उसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स जो है उसमें इंक्लूड है, और उसी को हम लोग क्या किए हैं कि प्यूरीफाई किए हैं और अच्छे से उसको समझने की कोशिश किए हैं। पूरे NCERT बेस शॉर्ट नोट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको जाके देखें। तो लिविंग वर्ल्ड उसमें हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग ये जो सीरीज रहेगा क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सीरीज जो है हम लोग का, इसमें फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा सिर्फ द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर इन्होंने बताया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल्स में देख ही चुके हैं, तो इसलिए इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय, आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम जो था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, लीनी और एडलर ने यूज किया था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का आता है, क्लासिफिकेशन गिवेन बाय बेंथम एंड हुकर। क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। ये सब देख सकते हैं आप लोग, ये PYQ है हमारा, सब PYQ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यू सिस्टमेटिक्स कौन इन्होंने, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जूलियन हगजेले ने, जूलियन हगजेले ने इंट्रोड्यूस किया था। यह हम सबको क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि नीट 2021 में जो है आने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज किसने प्रोवाइड किया था, लीनियस ने प्रोवाइड किया था। एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन क्या था, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था आर एच विट्टाकर ने, आर एच विट्टाकर 1969, ये हम लोग को क्या याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो NCERT का पॉइंट है ना, इसलिए हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया था, किसके बेसिस पे दिया था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल के आधार पे इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये सबको रखा था। ये हो जाएगा आंसर इसका फोर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस यूजेनिक्स आ जाएगा। अब यूजेनिक्स क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये हम लोग को याद होना चाहिए, फ्रांसिस फ्रांसिस गैल्टोन ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में इसमें देखते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय कंट्रोल सिलेक्टिव ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल फॉर डिजायरेबल ट्रेट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई सिलेक्टिव ह्यूमन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। इसको सिर्फ इतना याद रख लीजिए आप, ह्यूमन इम्प्रूवमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूफेनिक्स क्या होता है, तो ये जो होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जेनेटिक डिजीज ऑफ मैन का। ये क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक डिजीज ऑफ, सिम्प्टोमेटिक डिजीज ऑफ या सिम्प्टोमेटिक, इसको क्या कर देता है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज ऑफ मैन,
मैन के जो जेनेटिक डिजीज होते हैं उसके बारे में यू फिनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर यू थेनिक्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में देखते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में देखते हैं, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ए टैक्सॉन इज टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये टू दी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का पेज खोल के, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 नंबर है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। देखिए ये 90 में भी आया हुआ है, 91, 92, 96, यानी ये क्वेश्चन जो है 2021 में आने के ज्यादा चांसेस है। इसका आंसर स्पेसीज हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन का पूछा जाए तो स्पेसीज आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लीनियस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम ने दिया था, लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। आगे बात करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका मतलब होता है कि एक स्पेसी जो है साइंटिफिक नेम होता है, जेनेरिक नहीं, जेनेरिक एक नेम होता है और एक क्या होता है, स्पेसीज होता है। जैसे हम लोग मैनजीफेरा इन डीका को देखते हैं, तो ये तो हो गया हम लोग का जीनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्पेसीज हो गया। जीनस के बारे में क्या याद रखना है, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए और स्पेसीज में स्मॉल होना चाहिए, स्पेसीज में स्मॉल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट जे आई जो है स्मॉल होना चाहिए या एम जो है एम कैपिटल होना चाहिए, ये हम लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये तो हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, क्या होता है, सबसे पहले स्पेसीज, स्पेसीज के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जीनस, स्पेसीज जीनस फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, फिर डिवीजन देखते हैं, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये ट्राइब लगा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ। द टर्म फाइलम वाज गिवेन बाय, फाइलम टर्म किन्होंने दिया था, क्यूवियर ने फाइलम टर्म को दिया था, क्यूवियर, ये याद रहना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। होमियोस्टेसिस में क्या होता है, होमियोस्टेसिस में होता है टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, यानी हम लोग का जो टेंडेंसी होता है होमियोस्टेसिस में, ह्यूमन बीइंग का जो यानी बॉडी पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को, क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहते हैं, प्लैंटियोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जीनस आता है और एक स्पेसीज आता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कॉमन इवोल्यूशनरी के बारे में बताता है। ये आप जब एनसीईआरटी देखिएगा तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। स्पेसीज क्या है, स्पेसीज इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसीज इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये याद होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, ये इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, लीनियस क्रेडिटेड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम, इन्होंने दिया था इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्रेडिट इसी को दिया जाता है, लीनियस को। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ देयर वाज नो CO2 इन द अर्थ, अगर CO2 अर्थ पे ना हो, एटमोसफेयर पे यानी एटमोसफेयर में ना हो CO2, तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी क्या होगा, लेस देन द प्रेजेंट, जो अभी है उससे क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन था ये आपका, लॉजिकल क्वेश्चन था इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, स्पेसीज अकरिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज कॉल्ड, इसको एलोट्रॉप एलोपैट्रिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलो
पैटरिक कहते हैं, क्या है? स्पेसीज अकरिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, जो भी स्पेसीज है अगर डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में देखने को मिले तो इसको एलोपैटरिक रीजन में देखने को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया, ये सब किस में इंक्लूड किया गया था? तो मोनेरा में इंक्लूड किया गया था। मोनेरा के अंदर ही हम लोग किसके बारे में जानते हैं? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, और क्या देखते हैं हम लोग इसमें? साइनो बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। साइनो बैक्टीरिया को जो है प्रजेंटली किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया? प्रजेंट जो है किसमें है, अभी जो प्रजेंटली इसमें हम बात करें तो इसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है, ये याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एडवांटेजियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर जो होता है एडवांटेज देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैन इजीली बॉइल ऑफ इनफ वाटर टू कीप देम सेल्फ कूल। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लेश इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लेश, ये जो स्टेटमेंट है कौन दिया था? टेक्ताजन दिया था, टेक्ताजन। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पॉइंट इसको आप समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी PYQ है उसमें अगर आप ये सब देख लेते हैं तो क्या होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको मार्क कर पाइएगा आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस RBE इज यूजली रिफर टू डैमेज कॉज्ड बाय रेडिएशन। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो होता है ये रेडिएशन के कारण यूजली देखने को डैमेज होता है, यानी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है वो क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, रेप्लिकेट दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द बुक जेंडा प्लांटेनम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ये जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रैक्टिकल पर्पज क्या था? फैसिलिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में अच्छे से जान पाए, यही हम लोग का क्या था? पर्पज था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्पेसीज इंटरब्रीडिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन रहा। आगे बात करते हम लोग, इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब तीनों ऑप्शन क्या था? नहीं था, मेन बेसिस पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज कीमो हेटरोट्रॉफ, जो है सबसे पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स के बारे में क्या सही है? ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, जीनस से लेस यानी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेस जनरल इन कैरेक्टर, कैरेक्टर में अगर आप स्पेसीज से अगर किंगडम तक जाइएगा तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। तो ये जो अगर आपसे जनरल पूछा जा रहा है, जीनस से पहले जीनस का जो है कैरेक्टर किससे कम होता है? तो स्पेसीज से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मोसेस फर्न एंड ग्रुप्ड अंडर जनरल टर्म, मोसेस क्या होता है? ये आपका एक ब्रायोफाइटा होता है। फर्न क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्रिप्टोगेम्स। स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे बात करते हैं हम लोग 38 में, बायोसिस्टमेटिक एम्स क्या होते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फॉर्म ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 39,
फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमो हेटरोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्लॉविंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। ये आपका इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना वन शॉट में उसको देखेंगे। 42 क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज। स्पीसीज के लिए सही नहीं है, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। ये टर्म जो है आपका सही नहीं है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हम लोग पर लेक्चर 45 क्वेश्चन को